So, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स वन शॉट रिवीजन का पार्ट नंबर टू। वन शॉट रिवीजन वैसे मुझे एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट करना था, बट क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा था तो ये एक वीडियो में नहीं हो पाया। इसके लिए मुझे इसके लिए दूसरी वीडियो बनानी पड़ी। तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख चुके हो कहां तक मैंने पूरा आपको बेसिक करवा दिया था। हम आ गए थे कहां पर, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के ऊपर। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था, तो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लेना, और आई बटन को क्लिक करके भी आप लोग इसका पार्ट वन देख सकते हैं। पार्ट वन के बाद में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इस सेशन के बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप लोगों की नहीं बचेगी। तो हमारे पास में एल्केन्स को एल्केन्स को बनाने के लिए हमारे पास में आते हैं तीन मेथड। पहला आता है फ्रॉम अनसेचुरेटेड कंपाउंड। क्या करते हैं हम, अनसेचुरेटेड कंपाउंड से क्या बनाते हैं, एल्केन्स बनाते हैं। क्या करके, हाइड्रोजिनेशन करके। ये वाला प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, एक बार आपको फिर से इसको याद दिला देती हूँ किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में अनसेचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनके पास में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, है ना। और एल्केन्स क्या होते हैं, जिनके पास में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये मेरे पास में क्या है, एल्कीन। अगर मुझे इस एल्कीन से इथेन बनाना है, इथेन से अगर मुझे इथेन बनाना है तो किस तरीके से बनाऊंगी। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मेरे पास में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। चलो एक बार बॉन्ड को इग्नोर करते हैं। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, चार। इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। इधर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन। अगर मैं यहां पर 2 हाइड्रोजन का एडिशन कर दूं तो क्या मेरे पास में ये इथीन इथेन बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। एक बार हम बॉन्ड को नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी दे करके हम बॉन्ड को तो ब्रेक भी कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इधर हाइड्रोजिनेशन करेंगे। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मेरा क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। अब बात आती है कि ये प्रोसेस मैम होगी किस तरीके से, किस तरीके से हम इथीन से इथेन बना पाएंगे। तो गाइज यहां पर मेरे पास में आते हैं कुछ कैटालिस्ट। यस गाइस, कैटालिस्ट का इधर बहुत बड़ा यूज है। कैटालिस्ट नहीं होंगे तो फिर रिएक्शन कैसे अगर करेगी ना। तो यहाँ पर हमारे पास में आता है प्लेटिनम, रोडियम। तो इस तरीके से मेरे पास में क्या आते हैं, कुछ कैटालिस्ट आते हैं जिनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है वो करवाई जाती है। निकिल रह गया, निकिल। तो इन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या करवाई जाती है, रिएक्शन करवाई जाती है। गॉट इट। तो इस तरीके से मेरे पास में इथीन से क्या बनता है, इथेन। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तब भी हम उसका हाइड्रोजिनेशन कर देंगे, कुछ स्पेसिफिक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को किया जाता है। तो आगे बात समझ में, तो इतना पार्ट तो बहुत इजी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि सेकंड मेथड हमारे पास में कौन सा है एल्केन्स को बनाने के लिए। सो सेकंड है मेरे पास में फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। अब आते हैं हमारे पास में हैलाइड्स के, हैलाइड्स से हम किस तरीके से एल्केन्स बना सकते हैं। तो हैलाइड्स नाम से आपको पता चल चुका होगा कौन से ग्रुप, हैलोजन ग्रुप। तो हैलोजन ग्रुप में कौन कौन से आते हैं मेरे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहां पर हम बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बात करती हूँ CH3Cl, मिथेन क्लोराइड के बारे में। हम यहाँ पर बात करते हैं क्लोरोमिथेन के बारे में। जब क्या किया जाएगा, क्लोरोमिथेन की रिएक्शन करवाई जाएगी किससे, हाइड्रोजन से। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं कैटालिस्ट की प्रेजेंट में ZL और H पॉजिटिव की प्रेजेंट में ये रिएक्शन करवाऊं तो यहाँ पर मेरे पास में क्या बनेगा, जो ये एक हाइड्रोजन है ये जाकर के अटैच हो जाएगा किससे, मिथाइल से, और क्या बना देगा, मिथेन। और जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन है वो जाकर किससे रिएक्शन करेगा, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, और क्या बना देगा, हाइड्रोक्लोराइड। तो मेरे पास में मुझे क्या मिल गया, हमें तो एल्केन से मतलब है ना, तो हमें क्या मिल गया, इधर मिथेन मिल गया। इसी तरीके से ब्रोमीन से और आयोडीन से जब हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या करेगी, ये रिएक्शन अकर करेगी। बट एक बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर हम
क्लोरीन की बात करेंगे, ब्रोमीन की बात करेंगे, आयोडीन की बात करेंगे, फ्लोरीन की बात क्यों नहीं करेंगे, फ्लोरोमिथेन के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हम? क्योंकि गाइज ये पॉसिबल नहीं है कि फ्लोरीन और मिथेन का जो जोड़ है, ये मतलब फेविकोल वाला जोड़ है ना, फेविकोल वाला जोड़ पानी से भी ना टूटे, तोड़ने से भी ना टूटे, तो वैसे वाला इनका जोड़ होता है। तो फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है ना मिथाइल के साथ में, वो इतना ज्यादा स्ट्रोंग होता है कि उसको नहीं तोड़ सकते हम। तो इसीलिए सभी हैलाइड से क्या किया जा सकता है, मिथेन मिथाइल को अलग निकाल सकते हैं, या इथाइल ग्रुप को, एल्काइल ग्रुप को अलग निकाल सकते हैं, और हम क्या बना सकते हैं, एल्केन। बट फ्लोरीन के केस में नहीं बना सकते भाई, फ्लोरीन का मजबूत जोड़ है, एकदम मजबूत वाला जोड़ है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये था हमारा एल्काइल हैलाइड से। अब इसी के अंदर एक चीज और आती है, क्या, वुड्स रिएक्शन। अब हम इसी के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, एल्काइल हैलाइड जो प्रिपरेशन है ना उसी का सेकंड पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, अभी हमने एल्काइल हैलाइड्स की जब हमने बात की थी, तो एल्काइल हैलाइड्स को मैं आर से डिनोट कर रही हूँ, किसको, एल्काइल ग्रुप को, और मैं एक्स से डिनोट कर रही हूँ, किसको, ये भी थोड़ा देख लो बच्चों, हमेशा जब भी हम आर लिखेंगे ना इसका मतलब होता है कोई भी एल्काइल ग्रुप, और जब मैंने एक्स लिखा तो इसका मतलब है हैलाइड ग्रुप, मतलब कोई भी हैलाइड हो सकता है, ये कोई भी हैलोजन हो सकता है। ठीक है, कोई भी हैलोजन नहीं है, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन कोई भी, फ्लोरीन तो नहीं होगा, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। जब हम इसकी रिएक्शन यानी कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, सोडियम से, किससे करवाएंगे, सोडियम से, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे हम, ड्राई इथर की प्रेजेंस में, ये थोड़ा सा याद रखना है, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, ड्राई इथर की प्रेजेंस में। ठीक है, ड्राई इथर क्यों बोला मैंने, अभी बताऊंगी मैंने ड्राई इथर क्यों बोला है, हमने क्यों वेट नहीं लिया। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, अगेन यहाँ पर हमारे पास में एल्काइल हैलाइड ग्रुप है, इसकी मैं रिएक्शन करवा रही हूँ किसकी प्रेजेंस में, ड्राई इथर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा मेरे पास, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करिए, ध्यान समझना इस चीज को, यहां से ये पूरा का पूरा बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहां से क्या कर जाएगा, ये पूरा का पूरा बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो क्या बन रहा है, टू एन ए एक्स सोडियम हैलाइड। ध्यान से समझना इस चीज को, ये क्या बना, एक आर ग्रुप और दूसरा आर ग्रुप, दो आर ग्रुप। तो यहां पर इसीलिए हम बोलते हैं यहां पर क्या बनते हैं हमारे पास में, हायर एल्केन्स बनते हैं, क्या बनते हैं, हायर एल्केन्स, मतलब लिया मैंने सिर्फ एक मिथेन ग्रुप था, बने कितने मिथेन ग्रुप, दो मिथेन ग्रुप बन गए, या दो एल्केन ग्रुप, सॉरी मिथेन नहीं, दो एल्केन ग्रुप मेरे पास बन गए, मैंने एक एक ही लिया था, यहाँ पर आर के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल एनीथिंग, ठीक है, कोई भी, तो उसके प्लेस मेरे पास में क्या बने, दो एल्काइल ग्रुप बने, दो एल्केन ग्रुप बने, मेरे पास में हायर एल्केन्स बनते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमारे पास में क्या फॉर्म होता है, हायर एल्केन्स फॉर्म करता है। एक बार इस रिएक्शन को ध्यान से समझना, दोबारा से मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, एक बार आप रिएक्शन को इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो एक बार दोबारा देख लो, आर और एक्स से अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हम लोग एक्स के प्लेस पे चीजें पुट करके देखते हैं। यहां पर मैंने लिया CH3Br, क्या लिया, ब्रोमीन एल्काइल, ब्रोमीन मिथाइल, ठीक है, इसके बाद मैंने लिया इधर 2Na, सोडियम से रिएक्शन हमने करवाई, यहां पर मेरे पास में क्या हो जाएगा, अगेन CH3Br, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है मैंने, ड्राई इथर की प्रेजेंस में, क्या बना, CH3CH3, उधर क्या गया, 2NaBr, हुआ क्लियर, हुआ क्लियर। यहां पर मेरे पास में दो ग्रुप बन गए और यहां पर मेरे पास में क्या बन गया, सोडियम हैलाइड बन गया। अच्छा, अब मैंने ड्राई क्यों लिया, वेट क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर वेट लूंगी तो वहां पर वेट अगर हमने लिया, अगर उसके अंदर थोड़ा सा ही पानी बचा तो पानी के अंदर तो खुद के अंदर आयन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो फिर हमारी रिएक्शन कैसी होगी, हाँ तो खुद ही आयन बन जाएंगे, फिर वो अपने से रिएक्शन कर लेंगे अपने आप ही, पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप ही रिएक्शन कर लेंगे, हाइड्रोब्रोमाइड बन जाएगा अपने आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा अपने आप, रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमने ड्राई रखा है कि उसके अंदर वेट ना हो, क्योंकि अगर पानी हुआ, अगर वाटर डिजोल्व हुआ तो वाटर को खुद आयन में कन्वर्ट कर जाएगा और फिर हमारी रिएक्शन पूरी गलत हो जाएगी, बात आ रही है समझ में, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, ड्राई इथर लेते हैं। तो ये होती है हमारी वुड्स रिएक्शन, बहुत सिंपल है वुड्स रिएक्शन, कुछ नहीं है। जब हमने क्या किया, हमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई सोडियम के साथ में ड्राई इथर की प्रेजेंस में, तो मेरे पास में हायर एल्केन्स बनते हैं, मतलब अगर मैंने एक लिया तो दो बनेंगे, दो लिया तो तीन बनेंगे, इस तरीके से मेरे पास में ज्यादा नंबर ऑफ एल्केन्स बनते हैं। हम बोलते हैं कि वुड्स रिएक्शन हम किसके लिए यूज में लेते हैं, क्या प्रिपरेशन करने के लिए,
हायर एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, वुड्स रिएक्शन को यूज में लेते हैं। आगे बात समझ में? अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप से या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरीके से एल्केन बनाते हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बच्चा? कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास में होता है COOH, या फिर मैं उस तरीके से लिखती हूँ सी डबल बॉन्ड OH। ये होता है मेरे पास में क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये चीजें वैसे मैं आपको 10th क्लास में भी बता चुकी हूँ और आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी चीजें पढ़ी होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर चुके हो तो उसके अंदर भी आप लोगों ने चीजें पढ़ी होगी। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हम दो तरीके से रिएक्शन करवाते हैं। फर्स्ट होता है डी कार्बोक्सिलिक। क्या होता है डी कार्बोक्सिलिक? डी कार्बोक्सिलिक का मतलब हो गया डी कार्बोक्सिलेशन। इस तरीके से ज्यादा समझ में आएगा, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? माइनस ऑफ CO2। क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड था माइनस। सेकंड होता है क्या? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना। जैसे कि जब हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की बात करते हैं, 6 CO2 प्लस 6 H2O, तो हमारे पास में क्या बनता है? 6 C12 H2O C6 H12O6। इस तरीके से मेरे पास में क्या बनता है? इधर C6H12O6 ग्लूकोज बनता है ना मेरे पास में इधर। तो बस कुछ उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है? कार्बन का एडिशन हो रहा है, मतलब इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। तो ये होता है कार्बोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। तो आप समझ गए होंगे दो तरीके से यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रिपरेशन किया जाएगा किसका? एल्केन्स का। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों इस रिएक्शन को। ये रिएक्शन आपकी दो तरीके से होगी, फर्स्ट इज एट एनोड एंड सेकेंड वन इज एट कैथोड। कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव रोड। कैथोड नेगेटिव रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो ना आप, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है पता है सबको? नहीं पता, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस होती है जिससे हम क्या करवाते हैं, वाटर के अंदर करंट को पास करवाया जाता है, ठीक है। किसके लिए? केमिकल चेंज के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। बात करते हैं एनोड और कैथोड रे की। तो ये रिएक्शन किस तरीके से की जाएगी? ये रिएक्शन करवाई जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है भाई? अब कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं बच्चा क्या? सोडा लाइम, ठीक है। क्या किया जाता है हमारे पास में? जो भी एल्केन्स कंटेनिंग कार्बन है, सोडियम सोल्ट को जब हम सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या रिएक्शन होगी? चलिए देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन अकर करेगी। तो चलिए इसको सीखते हैं। क्या होता है मेरे पास में? जब सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं समझ में आ रहा? अभी सब समझ में आएगा। आज के बाद इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? आर सी ओ ओ नेगेटिव। आर कोई भी एल्काइल ग्रुप है, कोई भी, तो आर सी ओ ओ नेगेटिव और सोडियम सोल्ट मतलब एन ए पॉजिटिव। ये होता है मेरे पास में क्या? सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम क्या करेंगे? जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, किससे करवा रहे हैं इसकी रिएक्शन? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किसकी प्रेजेंस में? सोडा लाइम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सोडा लाइम की प्रेजेंस में। अच्छा, अब सोडा लाइम क्या होता है? एन ए ओ एच प्लस सी ए ओ। तो एन ए ओ एच तो इधर आ गया ना, एन ए ओ एच तो आ गया हमारे पास में, इधर बचा क्या? रिलेट कर पा रहे हो चीजों को? रिलेट करो अच्छे से, समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। सोडा लाइम की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवानी है, तो एन ए ओ एच मैंने इधर ले लिया, बचा क्या? सी ए ओ। और इस ट्रायंगल का मतलब क्या है? हम इसको हीट दे रहे, इसका मतलब हीट होता है। जहां भी आपको ये दिख जाएगा इसका मतलब होता है हीट, क्या आप हीट अप्लाई कर रहे हो। तो देखो क्या बन रहा है, इधर आर सी ओ ओ नेगेटिव और यहां पर क्या है मेरे पास में? एन ए ओ एच। क्या बनेगा? मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है, ये मेरे पास में एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल को तो क्या चाहिए? एक हाइड्रोजन चाहिए एल्केन बनने के लिए। बचा क्या? टू एन ए
इधर क्या बचा CO2, सॉरी CO3 है ना, तीन है ना, हाँ CO3। आगे बात समझ में, Na2CO3 बैलेंस नहीं हो रहा ना, हाँ Na2CO3 हो गया बैलेंस। आगे बात समझ में, तो ये होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन। एक बार दोबारा देख लो इसको। ये होता है बच्चा मेरे पास में क्या, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इतना इतना पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये मेरे पास में सोडियम है। जब क्या होगा, इसके हम सोडा लाइन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, एनए तो यहाँ पर आ गया तो सीओ इधर आ गया कैटालिस्ट के रूप में। और ये क्या कर रहे हैं, हम इसको जब हीट देंगे तो बनेगा क्या, इस आर को तो एक एच चाहिए ना अपने आप को एल्केन बनाने के लिए, समझ रहे हो। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन का माइनस, तो इसको एक हाइड्रोजन चाहिए, एल्केन बन जाएगा बच्चा, वो हमारे पास बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये होती है मेरे पास में रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म एक बार और देख लो, इसका मैकेनिज्म से आपको कंप्लीट रिएक्शन समझ में आ जाएगी। वैसे आई थिंक मैकेनिज्म तो आपके सिलेबस में तो नहीं है इस बार, है ना, न्यू करिकुलम के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में तो आई थिंक मैकेनिज्म नहीं है, बट फिर भी आप क्रॉस चेक कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है जितना मुझे याद है। फिर भी मैकेनिज्म आप इसका समझ लो, तो क्या होता है COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये होता है ना मेरे पास में। जब हम क्या करेंगे, जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, मतलब ये ब्रेक कर देगा, क्या बन जाएगा मेरे पास में RCO नेगेटिव अलग बन जाएगा और Na पॉजिटिव मेरे पास में अलग बन जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको, जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये मेरे पास में ब्रेक हो जाएगा। अब उधर अगर मैंने वॉटर लिया है लिक्विड सोल्यूशन तो उसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे पास में रिएक्शन हो जाएगा, कब, जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस को जब आप किसी लिक्विड सॉल्यूशन में डालते हो तो वो अपने आयंस में क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरे पास में ब्रेक हो गया। अब देखो, अब रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, सबसे पहले बात करेंगे कैथोड की, कैथोड में किस तरीके से रिएक्शन होगी। कैथोड आपको पता है कैसी रे है भाई, एट कैथोड, कैथोड पे किस तरीके से रिएक्शन करवाई जाएगी, तो कैथोड पे कैसे रिएक्शन होगी, जो मेरे पास में इधर एच पॉजिटिव है, टू एच पॉजिटिव, इसको क्या मिल जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद में ये पॉजिटिव चार्ज खत्म होकर ये क्या बना देगा, ये एच टू गैस बना देगा, है ना, आराम से बना देगा कैथोड पे। दिख रहा है क्या, कट तो नहीं रहा, हाँ दिख रहा है। तो क्या होगा, जब मैंने कैथोड की बात की तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव दे देगा एंड क्या बना देगा, इधर हाइड्रोजन गैस बना देगा। अगर हम एनोड की बात करें, ये मैकेनिज्म है, ये आपके सिलेबस में है या नहीं आप क्रॉस चेक कर लेना। अब अगर मैं एनोड रिएक्शन देखते हैं, एट एनोड, तो एनोड पे क्या होगा, आर सी ओ ओ नेगेटिव, ठीक है, यही होगा ना, आर सी ओ ओ नेगेटिव, ये क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, तो यहां पर क्या बनेगा मेरे पास है, आप खुद बताइए। अभी दो इलेक्ट्रॉन को जब ये लूज करेंगे तो ये आर आर क्या बना देगा, एल्केन ग्रुप बना देगा, और बाहर क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बाहर क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। क्यों, क्योंकि COO तो अनस्टेबल कंडीशन में है, तो गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा और यहां पर मेरे पास में एल्केन बन जाएगा। तो इस तरीके से कुछ रिएक्शन अगर करती है, ये मैंने आपको पूरा इसको तोड़ करके मैकेनिज्म बता दिया है। मैकेनिज्म का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन, और रिएक्शन होता है मतलब एक बार सिंगल लाइन में जो आप रिएक्शन लिख रहे हो ना वो रिएक्शन होती है, और उसका मैकेनिज्म जब हम करते हैं ना तो हम उसको पूरा तोड़ करके बताते हैं कि अंदर डिटेल वाइज कैसे रिएक्शन हो रही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्केन्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के। फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास में कुछ कुछ चीजें आती हैं, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी, ये सब किस तरीके से होती है, तो इनके बारे में हम चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो एल्केन्स हैं इनके अंदर क्या होते हैं, पहली बात तो इनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दूसरी बात
जो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो दोनों की लगभग बराबर होती है, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, कोई ज्यादा इलेक्ट्रो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, उनके बीच में बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये जो एलिमेंट होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। नॉन पोलर और पोलर का क्या मतलब होता है, पोलर जैसे कि मेरे पास में है हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इसके बारे में जब मैं बात करूं तो क्या ये नॉन पोलर एलिमेंट है या फिर ये पोलर एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट या कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट नहीं, कंपाउंड है, ये कंपाउंड पोलर इन नेचर है। पोलर का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन इन्होंने कहने को तो बॉन्ड शेयर कर रखा है, कहने को इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबको पता है, तो क्या होते हैं ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है इसका मैक्सिमम जो खिंचाव है वो फ्लोरीन के पास में होता है। एक बार आप इस छोटे से एग्जांपल से समझना, ये है गोलू, ठीक है, और ये है गोलू। अब ये दोनों भाई हैं, दोनों को मम्मी ने एक चॉकलेट दे दी कि ये भाई एक बड़ी चॉकलेट है, तुम दोनों भाई आधी आधी बांट करके खा लेना। अब जो गोलू है वो बड़ा है और जो गोलू है ये छोटा भाई है, ठीक है, ये छोटा है, तो बड़ा भाई है तो यही शेयर करेगा, ऑब्वियसली बात है ना, आप लोग घर में भी होता होगा, बड़ा भाई शेयर करता है कि मैं इसको बराबर बराबर दो हिस्से में तोड़ के तुझे दूंगा, पर क्योंकि ये बड़ा है इसकी बेचारे की चलती कम है तो इसने चॉकलेट को कुछ इस तरीके से तोड़ दिया, कुछ इस तरीके से तोड़ दिया, इसका एक हिस्सा हो गया बड़ा और एक हिस्सा हो गया छोटा, तो इसने छोटे वाला हिस्सा छोटे भाई को दे दिया और बड़े वाला हिस्सा खुद रख लिया। मम्मी को तो ये बोला कि हम दोनों ने शेयर कर ली, दोनों भाइयों ने, बट क्या एक्चुअल में शेयर हुआ है, नहीं, कहने को शेयर हुआ है बट ज्यादा पार्ट गोलू के पास में है क्योंकि ये बड़ा है। बस इसी तरीके से क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव है वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा होता है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज होता है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। स्लाइटली का मतलब होता है कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है, थोड़ा बहुत नेगेटिव है, ठीक है। तो ये होते हैं मेरे पास में पोलर कंपाउंड्स, जिनके पास में एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास में ज्यादा होता है क्योंकि उनके पास में ज्यादा कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन पोलर एलिमेंट्स की पूरी कहानी। अब जब मैं बात करती हूँ किसके बारे में, एल्केन्स के बारे में, तो आपको पता है या तो एल्केन्स का कंपाउंड बनता है कार्बन कार्बन के साथ में या कार्बन हाइड्रोजन के साथ में, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है ज्यादा, तो ये होते हैं कैसे कंपाउंड, नॉन पोलर इन नेचर। अब ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं सबसे पहली बात तो ये, दूसरी बात क्या होता है गाइज, कार्बन कार्बन का बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो उतना स्ट्रोंग नहीं होता है, ठीक है, उतना स्ट्रोंग नहीं होता है, इनके बीच का जो वैन डर वाल फोर्स होता है ना वो बहुत वीक होता है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई खास डिफरेंस है नहीं, ये नॉन पोलर इन नेचर है, तो इनके बीच का जो वैन डर वाल फोर्स होता है ना वो बहुत वीक होता है। अब वैन डर वाल फोर्स वीक होने की वजह से ये जो एलिमेंट है कंपाउंड के अंदर एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये चारों के चारों कौन सी गैस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये चारों के चारों मेरे पास में गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, C1 से लेकर के C4 तक ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद में C5 से लेकर के C17 तक ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इनका साइज बड़ा होता है वैसे वैसे इनका वैन डर वाल फोर्स भी स्ट्रोंग होता है, उतना दूर दूर नहीं जा पाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। एक तो आपने छोटी छोटी बॉल ली वो एक दूसरे से दूर रहेगी, आपने बड़ी बड़ी बॉल ली वो एक दूसरे से दूर नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये लिक्विड होते हैं, अगर आप अप टू 715 की बात करो, 717 की बात करो इसके बाद, तो वो क्या होंगे, फिर वो गैसियस स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करेंगे ना लिक्विड में, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आगे बात समझ में, तो ये होती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये होते हैं कैसे, कलरलेस, सबसे पहली बात तो ये याद रखना आपको, ये कलरलेस होते हैं, कोई भी इनका कलर नहीं होता है, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं सारे के सारे एल्केन्स, बस यही कुछ प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। नॉन पोलर इन नेचर होता है, C1 to C4 गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है,
C5 to C17 लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अप टू C17 के बाद में जितने भी हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी आप लोगों को याद रखनी है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो वो तो बहुत ही सिंपल है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो कितना ही सिंपल है ना, मतलब गैस है, पहले तो गैस है उसके बाद में लिक्विड है, मतलब चार एलिमेंट तक तो क्या है गैस है, और 5 से 17 क्या है, 5 से 17 तक ये लिक्विड है और आगे क्या है सॉलिड है, 17 के बाद में ये सारे के सारे क्या है सॉलिड है। तो जैसे जैसे नीचे आओगे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनक्रीज होगा, है ना, सिंपल है ना, बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्यों, नीचे आ रहे हो ना आप लोग, ऑब्वियसली क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले गैस है तो उनको तो इजीली बॉइल कर सकते हैं, बाद में लिक्विड है, बाद में सॉलिड है। तो ये तो बहुत सिंपल था। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट भी कैसे तरीके से होगा, क्या जिस तरीके से हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा, तो नहीं, मेल्टिंग पॉइंट इतना सिंपल नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा है ना, इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट में अपना मस्त इंटरेस्ट आएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट की तरह मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है, किसके साथ में, कार्बन के साथ में। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है, बट रेगुलरली नहीं करता है, ऑल्टरनेट करता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, क्या कि अगर मैं बात करूं इवन नंबर ऑफ कार्बन की, तो इवन नंबर ऑफ कार्बन में मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन में मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है, जबकि ओड नंबर ऑफ कार्बन की जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्या होता है, ये लोअर पाया जाता है, ये कम पाया जाता है, लोएस्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट ओड नंबर ऑफ कार्बन में। इसको हम क्या बोलते हैं, इस अफेक्ट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव अफेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव अफेक्ट हम इसको बोलते हैं, या ऑल्टरनेशन अफेक्ट भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि एक के बाद में इंक्रीज वेरिएशन आ रही है मेल्टिंग पॉइंट में। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इवन नंबर ऑफ कार्बन में ज्यादा होता है जबकि ओड नंबर ऑफ कार्बन में ये कम होता है, तो यहाँ पर वेरिएशन आती है हमारे पास में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी के बारे में। तो सोल्युबिलिटी क्या है इनकी, क्योंकि गाइज ये नॉन पोलर एलिमेंट है, कैसे एलिमेंट है, नॉन पोलर है मेरे पास में सारे के सारे एल्केन्स, तो ये किसमें सोल्यूबल होंगे आप खुद ही बता दो, किसमें होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड में ही होंगे, लाइक CCl4 या H2O, इस तरीके से नॉन पोलर कंपाउंड्स में ये क्या होंगे, सर ये सोल्यूबल होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डेंसिटी, उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी जाएंगे, अब हम बात कर लेते हैं डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी तो कार्बन के नंबर के इंक्रीज होने के साथ ही इंक्रीज हो जाएगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। चलिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर देना मुझे नीचे, मैं देख लूंगी आपके कमेंट। अब अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हमने कर ही ली है तो अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन क्या होता है, तो सबसे पहले आती है हमारे पास में क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहली बात आती है सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जब किसी भी एल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन को किसी भी अनदर एलिमेंट के साथ में रिप्लेस किया जाए, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर मैंने एल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन को किसी भी एलिमेंट, मैंने मान लिया मैं क्लोरीन से रिप्लेस कर रही हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा, CH3Cl और एक हाइड्रोजन मेरे पास में बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर Cl2 कर दो तो HCl बन जाएगा, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दिया, थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में बन जाते हैं क्वेश्चन यहां से भी, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
ये एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो ये बहुत हेल्पफुल आप लोगों के लिए। अगर मैंने ले लिया CH4 और अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी Cl, किसकी प्रेजेंस में? यूवी रेस की रिएक्शन में, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में? एच में का मतलब क्या है? यूवी रेस। अगर मैंने इसके रिएक्शन में या फिर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर 522 लेकर के 670 केल्विन तक के टेम्परेचर पे अगर मैंने इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाएंगे ना, तभी रिएक्शन अकर करेगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास में? CH3Cl, और बाहर क्या निकलेगा? HCl मेरे पास में यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ रिएक्शन क्या करती है? अकर करती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। अब क्योंकि आप लोग एक चीज और देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन को बाहर निकाला गया है, तो हम इसको हैलोजिनेशन, अगर हाइड्रोजन को बाहर निकाल के हैलोजन ग्रुप जोड़ा गया है तो इसको आप हैलोजिनेशन भी बोलते हो ना। तो कंफ्यूज ना तो जाना भाई बुक में देख करके कि मैम वहां पर तो हैलोजिनेशन दिया है, यहाँ पर आप लोग ये बता रहे हो। तो हैलोजिनेशन और ये एक ही बात है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हैलोजिनेशन एक ही बात है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर हैलोजन ग्रुप को ऐड किया जा रहा है, इसलिए हम इसको हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये बहुत सिंपल हो गया। तो ये तो काफी बिल्कुल सिंपल रिएक्शन थी। अच्छा, अगर मैं क्लोरीन ऐड कर रही हूँ ना, एक चीज यहाँ पर और देख लो, जब मैं क्लोरीन ऐड कर रही हूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन। क्या बोलते हैं? क्लोरीनेशन। इसी तरीके से इसके बाद में क्या होगा? ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन ऐड करेंगे तो आयोडीनेशन। अब एक बार इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा पढ़ लो। क्लोरीनेशन, अच्छा फ्लोरिनेशन कहाँ गया? फ्लोरिनेशन भी आएगा। एक बार ये देख लो थोड़ा सा आप लोग, क्या कि क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडिनेशन। तो क्लोरीनेशन जो रिएक्शन है ना, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। जब हम ब्रोमिनेशन की बात करते हैं तो ये थोड़ी सी स्लो रिएक्शन है, और अगर मैं आयोडिनेशन की बात करती हूँ तो ये तो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन हो जाती है, और इसको हम रिवर्सिबल भी बोलते हैं, रिवर्सिबल भी हो जाती है, इतनी स्लो है ये। तो ये रिवर्सिबल भी रिएक्शन है, वेरी स्लो और रिवर्सिबल। ब्रोमिनेशन क्या है? स्लो है। और क्लोरीनेशन जो है ये कैसी है? ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये यूवी रेस की प्रेजेंस में हो जाता है, यूवी की प्रेजेंस में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये इसकी प्रेजेंस में की जाती है, सनलाइट की प्रेजेंस में। ब्रोमिनेशन स्लो की जाती है, और आयोडिनेशन वेरी स्लो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। क्लोरीनेशन आपको याद रखनी है, ये सनरेज की प्रेजेंस में होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। और फ्लोरिनेशन की, जब फ्लोरिनेशन की बात नहीं की मैंने, अगर मैं फ्लोरिन की बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा वायलेंट रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा वायलेंट, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इतना फास्ट रिएक्शन होती है, इतना फास्ट, क्योंकि फ्लोरिन आपको पता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये जो रिएक्शन है ये वायलेंटली होती है, तो इसको कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। अब एक पॉइंट और आपका यहां से बनता है याद रखने वाला, कौन सा? कि जो इनकी रिएक्शन करने की जो इनकी कैपेसिटी है वो टर्शरी कार्बन के साथ में ज्यादा है। टर्शरी कार्बन, सेकेंडरी और प्राइमरी में कल की वीडियो में बता चुकी हूँ, नहीं देखा है तो एक बार आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। तो टर्शरी कार्बन, फिर होता है सेकेंडरी कार्बन, और फिर होता है प्राइमरी कार्बन। तो ये इनकी रिएक्शन करने की क्या है? कैपेबिलिटी है। ये टर्शरी कार्बन से सबसे पहले रिएक्शन करती है। अच्छा, क्यों करती है? ये मेरे पास में कार्बन है, इधर तीन मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, ये सेकेंडरी है, इधर दो ही मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, और ये टर्शरी के साथ कोई भी नहीं जुड़ा है। तो इसके पास में फ्री रेडिकल है, इसके पास में फ्री रेडिकल है, और इसके पास में फ्री रेडिकल है। अब ये क्या होता है? ये हाईली अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? हाईली अनस्टेबल। तो क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है तो सबसे पहले जो एलिमेंट आकर के जुड़ता है वो इसके साथ ही आकर जुड़ता है, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है। तो पेपर में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि किसके साथ में पहले जुड़ेगा, तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है। अगर आप लोग ये ऑर्डर याद रखते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है, फिर इजी हो जाता है ये काफी ज्यादा। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट आते हैं कंबशन रिएक्शन। अब कोई ज्यादा कुछ खास बचा नहीं इस चैप्टर में, अभी बहुत सिंपल हो चुका है। सेकंड आते हैं कंबशन, इसे रिएक्शंस याद रखना पेपर में है ना। मैं बताऊं आपको किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको रिएक्शन का लेफ्ट पार्ट दे देंगे, आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं और बाई प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, सब कुछ आपको ध्यान रखना है। पेपर में ऐसे ही आता है। तो क्या होता है, ये बहुत सिंपल है। जब मैंने मिथेन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाया,
कंबशन का मतलब आप समझ रहे हो, दहन रिएक्शन, जब इसको क्या हो रहा है, हम इसको एक एक्सट्रीम लेवल तक का टेम्परेचर दे रहे हैं, कितने भी हम इसको हीट दे रहे हैं एक पर्टिकुलर, तो क्या बनेगा मेरे पास में, इधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और बाई प्रोडक्ट में मेरे पास में क्या निकलता है, वाटर। ठीक है, तो ये आप लोगों को रिएक्शन, आपको बस इतने रिएक्शन दे देंगे, आपको ये रिएक्शन पूछ लेंगे, या आपको पूछेंगे इस रिएक्शन में टेम्परेचर कितना दिया था, इस रिएक्शन में हीट कितनी दी थी, तो इस तरीके से आप लोगों से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखना, तो इसके अंदर आपको कितनी हीट दी गई है, 890 किलो जूल पर मोल। ये आप लोगों को बुक से मिल जाएगा, एनसीईआरटी से अगर आप लोग देखोगे तो आपको इसका कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, तो वहां पर आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट आता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब नाम से समझ में आ रहा है, कंट्रोल्ड का मतलब कि ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है ना, बिल्कुल क्लियर ही हमें। तो क्या हो जाएगा, अगेन बस वही रिएक्शन है मीथेन की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाएगी, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, कंप्लीटली कंट्रोल किया जाएगा। तो हम किसके ऊपर दे रहे हैं, 523 केल्विन टेम्परेचर और 100 एटमोस्फेरिक प्रेशर इसको दिया जा रहा है, और यहाँ पर हम क्या यूज ले रहे हैं, कॉपर को एज एन कैटालिस्ट यूज ले रहे हैं। तो रिएक्शन हमारे पास में क्या बन रही है, CH3OH मिथेनॉल, OH एल्कोहल ग्रुप जुड़ रहा है, तो क्या बनेगा, मिथेनॉल। देखो रिएक्शन सेम है, वहां भी हम मिथेन और ऑक्सीजन ले रहे थे पिछली रिएक्शन में भी, और यहां भी हमने यही लिया, लेकिन प्रोडक्ट दोनों में अलग बना है, किसकी वजह से, बस एक इस चीज की वजह से। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर हम कैटालिस्ट कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पर हम टेम्परेचर कितना रख रहे हैं, यहाँ पर हम हीट कितनी दे रहे हैं, प्रेशर कितना रख रहे हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि मैम हमें पॉइंट टू पॉइंट याद रखना पड़ेगा क्या, कि हम पॉइंट टू पॉइंट याद रखें कि अच्छा इतना टेम्परेचर दिया जा रहा था, अच्छा इतना प्रेशर दिया जा रहा था। नहीं, पॉइंट टू पॉइंट नहीं याद रखना है, अगर आपको बाय चांस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ना रिएक्शन का, तो आपको ये इतना पूरा पार्ट लिखा हुआ आएगा, आप जस्ट इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि हाँ ठीक है, एवरेज एवरेज इतना था। जो पेपर में अगर आपको आ जाता है कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की, आप लोग क्या करिए, इसको डिफाइन कीजिए अच्छे से, हाँ तब आपको टेम्परेचर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखते हो तो फिर आपको इसका मतलब आपको नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में। तो ये आपको पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं, लेकिन एक एवरेज आपको दिमाग में इसका सिनेरियो रखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है गाइस, इसके बाद में आता है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन बहुत सही है, आइसोमेराइजेशन का मतलब मैंने कल ही बताया था, जहां पर आपका स्ट्रक्चरल जो रिएक्शन है वो अलग, स्ट्रक्चरल अलग होता है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन उसके अंदर बिल्कुल इक्वल प्रेजेंट होते हैं। तो उसी तरीके से जैसे कि CH3 ये लास्ट है, इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही पढ़ना है, उसके बाद बाकी का अगर आप लोग एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लोगे तो बन जाएगा आपका, उतना कोई टफ नहीं है इसके बाद में। नेक्स्ट है CH3, जब हम क्या करते हैं, हम इसके रिएक्शन करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, AlCl3। AlCl3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और क्या ले रहे हैं, HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो रिएक्शन हो किस तरीके से रही है, बहुत सिंपल तरीके से हो रही है, कि आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन को इक्वल रखना है, आपको जस्ट इसकी स्ट्रक्चर को चेंज करना है। तो CH3CH यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, एक ब्रांच निकाल देंगे हम यहाँ से मिथेन की, CH3CH2 and CH3, तो 1 2 3 4 5 6, 1 4 4 5 6, यहां भी 6 यहां भी 6, बराबर है। अच्छा हम करते क्यों है, अच्छा ऐसे ब्रेक क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको हमने ब्रेक क्यों किया, कार्बोनेशन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, इसको कार्बोकेटायन फॉर्म करने के लिए, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन यूज की जाती है, और इसका कोई खास मतलब है नहीं। तो आप जब इसका इक्वल नंबर ऑफ कार्बन रखते हो, इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप अलग बनाते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, ब्रांच्ड फॉर्मेशन हम इसकी बनाते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में, तो बस यही था आपका चैप्टर, इसके बाद आपका कुछ बचता नहीं है इस चैप्टर में, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पार्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इन सभी टॉपिक्स में जितना मैंने करवाया है
पार्ट वन और पार्ट टू कंप्लीट देख लेना पहले, तो वरना समझ नहीं आएगा। पार्ट वन का लिंक मैं दे दूंगी, आप देख लेना एक बार जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक भी। एंड गाइज, वन शॉट रिविजन वीडियो आप लोगों के लिए बस आने वाले हैं अभी, दो तीन वीडियोस और बचे हैं आपके, मैं डाल दूंगी एडिटिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोगों को सारी वन शॉट देखना जरूर, बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।